हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एच के बेरा। आप देख रहे हैं हाफ से यूट्यूब चैनल। चलिए आज मैं थोड़ी ऑफिस में हाफ हूँ, इसी वजह से ऑफिस में निकल के टाइम मेरे लैपटॉप में एक रेस्टोरेंट में बस के मैं रिकॉर्डाइज कर रहा हूँ। क्यों ना आज मेरा ऑफिस 2 घंटा का काम था, थोड़ी मेरे रेस्ट मिला, इसी वजह से चलिए मैं वीडियो सुनकर लास्ट पास आपको रिकॉर्ड करके छोड़ता हूँ। इसीलिए थोड़ी भी टाइम मिलती है मैं आपको रिकॉर्ड करके छोड़ता हूँ, ठीक है। चलिए एलिजिबल असेस असेस हुज नॉट रिसीव्ड ऑफ एच आर ए क्वालिफाइंग फॉर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10(13)(a) फॉर्म एम्प्लॉयर ओनर एंड इज ये कुछ भी नहीं है एंड पेरेंट फॉर एकोमोडेशन अक्वायर्ड बाय हिम फॉर रेसिडेंटल हाउस ये 80GG सेक्शन क्या होता है रेस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड। हम जो रेंट पेड देते हैं उसको मिलेगा ना नहीं। असेज हुज नॉट रिसीव एच आर ए हाउस सेट अलाउंसेस जिसको नहीं मिलता है उसी को ही इसको मिलेगा डिडक्शन। डिडक्शन का कितना है, एक्चुअल रेंट पेड कितना होगा 10% ऑफ टोटल इनकम, जितना तुम इनकम करते हो उसका 10% ऑफ द असेज बिफोर बिफोर अलोइंग द डिडक्शन और 20% ऑफ सच टोटल इनकम अमाउंट कंट्रोल एज अटर 5,000 पर मंथ। ये तीनों में एक होगा। क्वेश्चन देखते हैं, अभी आराम से तुमको समझ आएगा। क्वेश्चन तेरा खत्म हो चुका था, अभी जाते हैं 14। मिस्टर गणेश बिजनेसमैन होल हुज टोटल इनकम बिफोर अलाउ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG 4,60,000 पेड हाउस रेंट 12,000 रेस्पेक्ट ऑफ रेसिडेंटल अकोमोडेशन ऑक्युपाइड बाय हिम एट मुंबई कंप्यूट द डिडक्शन अलाउबल टू हिम अंडर सेक्शन 80GG असेसमेंट ईयर कितना होगा देखते हैं। इसको काट देते हैं। डिडक्शन अंडर 80 सेक्शन G एक्चुअल रेंट पेड लेस देन 10% ऑफ टोटल इनकम 1,44,000 कैसे हुआ देखो 1,44,000 आई थिंक ये देखते हैं 1,44,000 12,000 × 12 ये जो 1,44,000 है 12,000 पर मंथ इक्वल टू 12 ये 1,44,000 ये जो 10% है 4,60,000 डिवाइड बाई 100 का ये 98,000 निकला। 25% टोटल इनकम 4,20,000 डिवाइड बाई 1,15,000 अमाउंट कैलकुलेटेड एट 5,000 पर मंथ इंटू 12,60,000 रिडक्शन हुई ओवर इज लोअर ये 98,000 1,50,000 एंड 6,60,000 हुई ओवर इज लोअर ये हुआ खत्म। उसके बाद आते हैं डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टन इनकम। पहले क्या था डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टन पेमेंट, पहले था दो पार्ट है ना, इसलिए वो डिडक्शन इन सर्टन ऑफ रेस्पेक्ट पेमेंट। डिडक्शन 80JJA एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ न्यू एम्प्लॉय असेस ही एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80JJA सिंस ही इज सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB फॉर असेसमेंट ईयर एंड दी हैज एम्प्लॉयड एडिशनल एम्प्लॉय ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर यह है 30% यहाँ का रेट है, ठीक है। पहले फिर देखते हैं असेस ही एलिजिबल फॉर रिडक्शन अंडर सेक्शन 80JJA सिंस ही इज सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44BAB असेस ही को एलिजिबल होगा और डिडक्शन के लिए कैसे वो टैक्स ऑडिट करना चाहिए 44AB फॉर असेसमेंट ईयर एंड ही हैज एम्प्लॉयड और एडिशनल एम्प्लॉय ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एम्प्लॉयड है वो एडिशनल एम्प्लॉय जो एक्स्ट्रा काम के जो एम्प्लॉय हायर करते हैं उस पर भी वो मिल सकता है उसको डिडक्शन। ये रेट कितना है 30%। क्वेश्चन 16 पर आते हैं, 15 का कोई काम नहीं है इसी वजह से हमें नहीं देखा हूँ। 15 तुम्हारे होमवर्क है इसलिए 16 बजे ये 15 तुम्हारे होमवर्क है, समझ गए। अभी जाते हैं 16 में देखो मिस्टर है कमेंस द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर्स ऑन 1/4/2020 ही एम्प्लॉयड 3,50,000 न्यू एम्प्लॉयज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2,20,000
ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2021 डिटेल ऑफ दी डिटेल दिया है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय आई में 75,000, डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट 1 अप्रैल 2020, और रेगुलर का रेगुलर और कैजुअल ना रेगुलर टोटल मंथली एम्प्लॉयमेंट पर एम्प्लॉयमेंट टोटल मंथली उसको दिया हुआ है 24,000। इसमें लिख लेते हैं सारे, ये तो आप पढ़ सकते हो, इसमें देखते हैं रेगुलर एम्प्लॉय पर पार्टिसिपेट इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड व्हाइल द कैजुअल एम्प्लॉय डू नॉट। ये क्या लिखा है, रेगुलर एम्प्लॉय पार्टिसिपेंट रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, कैजुअल एम्प्लॉय डू नॉट। रेगुलर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का रिकॉग्नाइज होगा और कैजुअल एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज ही होगा। यहाँ देखिए कंप्यूट डिडक्शन इफ अवेलेबल मिस्टर ए फॉर असेसमेंट ईयर 2021-2022 ही प्रॉफिट एंड गेन डिराइव फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर दैट द ईयर 75 लाख एंड हिज टोटल टर्नओवर 5.16 करोर। What would be your answer if Mr. A has commenced the business of manufacture of footwear in Bishka? अभी आंसर चलते हैं आंसर। पहले 16 है। Mr. A is engaged in the business of manufacturing companies. Additional employee cost 24,000 into 12 month into 75 कैसे आया? चलते हैं working note। मेरा यही है important working note। Note क्या लिखा है? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय एम्प्लॉय ड्यूरिंग द ईयर 350,000। कैजुअल एम्प्लॉय एम्प्लॉय ड्यूरिंग द 182020 हु नॉट पार्टिसिपेट रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 50। रेगुलर एम्प्लॉय एम्प्लॉयड May 1, 2020 सिंस देयर टोटल मंथली एम्प्लॉयमेंट एक्सीड 25,125। रेगुलर एम्प्लॉय एम्प्लॉयड ऑन 1/9/2020 सिंस दे हैव एम्प्लॉयड फॉर लेस दैन 240 डेज इन द प्रीवियस ईयर 2021-100। सारे मिला के हुआ 275। नंबर ऑफ एम्प्लॉय एडिशनल एम्प्लॉय 75,000 अब निकल आया। अब चलते हैं ऊपर, ये हो गया 75,000। अभी देखो निकालो तुम 24,000 इंटू 12 मंथ इंटू 75 हो गया कहते 24,000 इंटू 12 इंटू 75 21,60,000। 21 लाख अरे 21 लाख 2 करोड़ 16 लाख 2 करोड़ 16 लाख रिडक्शन अंडर सेक्शन 87 ए 30% ऑफ 2 करोड़ 16 लाख का 30% हो गया 64,80,000 64,80,000 हो गया। अभी आगे चलते हैं, ये तो उठनट में तुमको समझा चुका हूँ। टू आई इफ मिस्टर ए इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड वेयर, उसके बाद सेक्शन 80JJ इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट ऑफ रेगुलर एम्प्लॉय एम्प्लॉयड ऑन 1/9/2020 सिंस दे हैव बीन एम्प्लॉयड फॉर मोर देन 150 डे इन द प्रीवियस ईयर 2020-21 एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट 2 करोड़ 16 लाख प्लस 24,000 इंटू 7 7 कितना हुआ 7 मंथ 1/9/2020 31 मार्च 2021 इंटू 100 3 करोड़ 84 लाख रिडक्शन 30% ऑफ 3 करोड़ 84 लाख हो गया 1 करोड़ 15,20,000। उसके बाद आते हैं सेक्शन 80TTB इन रेस्पेक्ट ऑफ आर डिपॉजिट इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, इन केस ऑफ डिपॉजिट इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, ठीक है। Eligible for assess a senior citizen, a resident individual who is of the 60 years or more, जो भी resident है वो 60 years से ज़्यादा है उसके अंडर में। Deduction, actual amount of interest on deposit or 50,000, whichever is lower, actual amount of interest deposit or 50,000, whichever is lower, ठीक है। Question 17 में आते हैं, question क्या क्या अच्छा था 16 में, अभी चलते हैं 17 होगा खतरा देखो के चलो। मिस्टर ए रेसिडेंट इंडिविजुअल एट 61 इयर्स हैज एंड बिजनेस इनकम कंप्यूटेड 1,35,000
लॉटरी इनकम 1,20,000 ग्रॉस एंड ये कंप्यूटेड है एंड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2021 ही ऑल्सो हैज इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 30,000 विथ बैंक ही इन्वेस्ट इन अमाउंट ऑफ 1,50,000 इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए फॉर असेसमेंट ईयर 2022 जानते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम मिस्टर ए फॉर असेसमेंट ईयर 2021 प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन ये होगा पहले लिखा है 1,35,000 क्वेश्चन में दिया है चलो देखते हैं क्या है उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विथ बैंक 30,000 लॉटरी इनकम 1,20,000 ग्रॉस टोटल इनकम 2,85,000 डिडक्शन अंडर सेक्शन चैप्टर वी आई ए नोट यहाँ में नोट देखें क्या है नोट अंडर एज 60 ईयर्स ऑफ इंडिविजुअल ऑफ और मोर बैंक डिपॉजिट क्वालिफाइड फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन अप टू 50,000 अंडर सेक्शन 80 TB बट गिवेन 30,000 अंडर सेक्शन बट गिवेन 30,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कवर अंडर सेक्शन 111A एंड विनिंग फ्रॉम लॉटरी ऑफ द एसेसी ओके एसेसी यह मैं अभी मत नहीं पढ़ा अभी उसमें चलो नोट आ गया हाँ अंडर सेक्शन 80C डिपॉजिट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड 1,50,000 अंडर सेक्शन 80TB इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विथ बैंक गिवेन 30,000 हो गया 1,80,000 बट रिस्ट्रिक्टेड टू इनकम 1,65,000 टोटल इनकम ये कितना हुआ 1,285 से 65 हुआ हो गया 1,20,000 ठीक है यहाँ में 65,000 कैसे हुआ हमें वे देखेंगे 2,85,000 1,20,000 हो गया 1,65,000 1,20,000 हुआ लॉटरी इनकम यहाँ में यह वर्सेस 1,20,000 1,65,000 यह की तुम्हारा लिखना है बात नहीं तो आता है देखो आगे चलते हैं एग्जामिनेशन क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 18 तुम्हारे होमवर्क है क्वेश्चन 18 तुम्हारा होमवर्क है ठीक है दो होमवर्क 15-18 दोनों होमवर्क है करके करना और क्या अभी चलते हैं एडिशनल क्वेश्चन को एडिशनल क्वेश्चन को जाते हैं कौन सा मैंने किया देख लेता हूँ एडिशनल क्वेश्चन ये एडिशनल क्वेश्चन कितना अच्छा होगा मैं बताऊंगा ये जो एडिशनल क्वेश्चन होते हैं तुमको दो मार्क और 3 मार्क का व 2 मार्क का और MCQ में पूछ देते हैं इसी वजह से मैं एडिशनल क्वेश्चन को किया कुछ नहीं किया जानबूझ के क्यों ना तुम करो मैं सारे कर दूंगा तुम करोगे तो तुम आलस हो जाओगे इसी वजह से मैं तुम कुछ भी करो और कुछ करने से भी अच्छा होगा ना एग्जाम तुम दोगे मैं नहीं मैं सिर्फ उनको गाइड और डाउट क्लियर कर सकता हूँ चलिए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 मिस्टर अमित पेड इंटरेस्ट ऑन लोन अवेल बाय हिम फॉर हिज सन डॉटर एजुकेशन हिज सन इज ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन ए फार्म मिस्टर अमित विल बी गेट रिडक्शन ऑफ 80C मिस्टर अमित को रिडक्शन मिलना चाहिए ना नहीं चलो देखते हैं दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट यस मतलब जो बोल रहा है अमित ठीक बोल रहा है अभी देखते हैं क्या लिखेंगे क्वेश्चन आंसर में यही होता है सबसे इम्पोर्टेंट बात है तुम बहुत कुछ पढ़ते हो बहुत कुछ जानते हो और लिखने का टाइम हमारे इंग्लिश वाट लग जाते हैं क्यों ना हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं क्या लिखना है क्या लिखना चाहिए बहुत सारे स्टूडेंट को मैं पूछा तुम फेल क्यों होते हो उसने बोला बहुत सारा स्टूडेंट को मुझे पता नहीं और वो सर मुझे लिखना नहीं आता है और पढ़ता हूँ सब कुछ यही होता है प्रॉब्लम आगे चलो द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E अवेलेबल टू एन इंडिविजुअल कौन है क्या है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E अवेलेबल टू इंडिविजुअल इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन हिज हायर एजुकेशन और फॉर द हायर एजुकेशन ऑफ हिज रिलेटिव्स रिलेटिव मतलब क्या होता है स्पाउस चिल्ड्रेन फादर नॉट ग्रैंड फादर ऐसा होता है मिस्टर अमित एलिजिबल फॉर रिडक्शन अंडर सेक्शन 80E उसके बाद 2i चलते हैं सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड बॉन्ड ऑफ नाबार्ड वुड बी क्वालिफाइड फॉर रिडक्शन अंडर सेक्शन 80C चलो मिलेगा ना नहीं मिलेगा दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट अंडर सेक्शन 80C अंडर सेक्शन
82 subsection subscription to such bond issued by the NABARD and qualify for deduction under 80 section C. काम खत्म. सेक्शन सॉरी थ्री इन ऑर्डर टू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सी इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूशन सब्सक्रिप्शन एलिजिबल फॉर अप्रूव मोड सब शुड बी फॉर्म ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स. द स्टेटमेंट ऑफ इनकम द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. व्हाई देयर इज नो स्टिपुलेशन अंडर सेक्शन 80 सी that the investment subscription etc should be made from out of income chargeable to tax IV. Where an individual repay a sum of 30,000 toward principal of 40 principal and 40,000 has interest in respect of loan taken from bank or pursuing eligible for higher studies, the deduction under allowable under section 80E is 44,000. Deduction under 84 is 44,000. Chalo question mein IV स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. मतलब जो बोल रहा है वो उसको मिलेगा नहीं मिलेगा. डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E इज इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन एजुकेशन लोन डिडक्शन विल बी लिमिटेड टू 14,000. कौन ये दोनों को ये लिखा है इतना नहीं मिलेगा. भी मिस्टर शिला विडो ऑफ ऑफ मिस्टर सतीश. मिस्टर सतीश या हस्बैंड है मिस्टर शिला उसका वाइफ है. हु वाज एम्प्लॉय ऑफ एक्स वाई जेड एल टी रिसीव 7,01,01,2020 बीइंग अमाउंट स्टैंडिंग द क्रेडिट ऑफ मिस्टर सतीश हिज एनपीएस अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ हुईज एजुकेशन हैज बीन अलाउड अंडर सेक्शन 80CCD टू मिस्टर सतीश इन द इयर प्रीवियस ईयर सच अमाउंट रिसीव्ड बाय हर एज ए नॉमिनी इन ऑन क्लोजर ऑफ द अकाउंट डीम्ड टू बी ए इनकम. ये मतलब ये बोल रहा है जो है सतीश मर गया मतलब सतीश का जो एम्प्लॉय काम करता था वो उसे 7,00,000 रिसीव किया उसकी सतीश एनपीएस अकाउंट को. मतलब वो समझे शिला का ये क्या है इनकम है समझ गया. अरे सतीश तो मर गया तो विडो कैसे हुआ. ठीक है अभी चलते हैं क्वेश्चन. सेक्शन 80CCD 3 प्रोवाइड्स दैट अमाउंट रिसीव्ड बाय द नॉमिनी. के नॉमिनी कौन था शिला. नॉमिनी मतलब यहाँ शिला है. ऑन क्लोजर ऑफ एनपीएस अकाउंट ऑन द डेथ ऑफ द एसेसी. एसेसी मर गया मतलब सतीश. शैल नॉट बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द नॉमिनी. क्यों ना जो उसका पति मर गया उसके जो पैसा मिलना था सोच लो कुछ ग्रेचुटी मनी हो एनपीएस हो उन्होंने जो भी मिला पैसा उसको नॉमिनी के हिसाब से उसका इनकम कैसे हुआ. उसका तो मिलना ही था वो थोड़ी इनकम किया जाएगी इसी वजह इसी वजह से ये क्वेश्चन इसी पर बेस है. हेंस रिसीव्ड बाय मिस्टर शिला मिसेस शिला वुड नॉट बी डीम्ड टू बी हर इनकम फॉर असेसमेंट 2022. अभी भी की जानते हैं विशाल ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूटेड 50,000 टूवर्ड्स टायर वन एंड टायर अकाउंट्स ऑफ एनपीएस द सेम वुड बी एलिजिबल डिडक्शन अंडर 80 सेक्शन डी. ये हमें क्या होगा देखें. दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. कंट्रीब्यूशन टू टायर टू अकाउंट ऑफ एनपीएस वुड क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C एंड नॉट सेक्शन 80CCD. 80CCD में नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 80C में मिलेगा. अभी चलते हैं क्वेश्चन पर. थोड़ी मैं रेस्ट लेता हूँ 10 सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 मिस्टर रंजन हैज टू पे हॉस्पिटल 42,000 स्पेंड नथिंग ऑफ फॉर इंश्योरेंस और फॉर मेंटेनेंस हैंडीकैप डिपेंडेड. देखते हैं क्या होता है. दी डिडक्शन अंडर सेक्शन 7,000 अंडर सेक्शन 80CD इज अलाउड इन फुल इरेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट इज ऑप्शन. मतलब जो भी तुम खर्चा करो कोई फर्क नहीं पड़ता तुमको 75,000 मिलेगा. काम खत्म अंडर सेक्शन है चलो. इनकर्ड ऑनर पेड द एसेसी इफ द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ अ डिपेंडेंट विथ सर्व सर्व इ डिजीज
डिडक्शन अलाउ 125 लाख, 1,25,000। 75,000 किसी को एक्सपेंडिचर हुआ है वो मिलेगा, वो 125, 1,25,000 मिलेगा, जो मतलब पर डे पर मंथ 100 पैसा लगता है उसका शरीर पर, उसका ट्रीटमेंट पर उसको मिलेगा। तो इसीलिए उसको बोलते हैं सर्व डिजेबिलिटी डिडक्शन, 1,25,000। समझ आया? चलिए सेक्शन टू। राजा ए रेसिडेंट इंडिया, राजा ए रेसिडेंट इंडिया आई स्पेंट नथिंग फॉर ट्रीटमेंट इन द प्रीवियस ईयर एंड डिपॉजिट 20,000 विद LIC फॉर मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप डिपेंडेंट। राजा ए रेसिडेंट इंडिया स्पेंट किया है नथिंग फॉर ट्रीटमेंट प्रीवियस ईयर एंड डिपॉजिट 20,000 LIC मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप डिपेंडेंट। देखते हैं क्या है। द एसेसी ऑफ राजा रंजन लिखते हैं हमें, वो राजा है। द एसेसी ऑफ रंजन हैज डिपॉजिट 20,000 फॉर मेंटेनेंस ऑफ ए हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट। द एसेसी इज हाउएवर एलिजिबल फॉर क्लेम 70,000। 70,000 मतलब क्यों है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपेंडिचर, ये जितना भी तुम खर्चा करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुमको 75,000 मिलेगा। सीन्स डिडक्शन इज अलाउड इन फुल इरेस्पेक्टिव अमाउंट डिपॉजिट विथ लाइफ विथ LIC इन केस डिपेंडेंट ऑन सर्व्स डिजेबिलिटी, मतलब हर मंथ हर डे ट्रीटमेंट होता है पैसा लगता है उसी को बोलते हैं सर्व डिजेबिलिटी डिडक्शन सेक्शन, 1,25,000 उसको मिलेगा। पहले भी था, पहले हम क्वेश्चन में था। सेक्शन थ्री ना कौन कौन, रंजन ए रेसिडेंट रंजन हैज इनकॉल 20,000 फॉर ट्रीटमेंट, 25,000 वाज रिपोर्टेड विथ LIC फॉर मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप डिपेंडेंट। देन 25,000 ट्रीटमेंट और 25,000 डिपॉजिट LIC हैंडीकैप, कितना क्या मिलता है। चलो क्वेश्चन थ्री। सेक्शन 80DD अलाउ ए डिडक्शन अंडर सेक्शन 75,000 इरेस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल पेमेंट अमाउंट स्पेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप डिपेंडेंट एंड और एक्चुअल मेन अमाउंट डिपॉजिट विथ LIC। Therefore, the deduction under section deduction on the deduction will be 75,000। मतलब जितना पैसा खर्च करो तुमको 70% मिलेगा, कोई 10 बार खर्च करो 70 मिलेगा, 30 बार खर्च करो 70,000 मिलेगा। इवन टोटल इनकम अमाउंट इनकम रिप्रेजेंटिंग ओनली 45,000। मैं क्या बोला 45,000, टोटल बताऊँ कितने का 20,000, 25,000 डिपेंडेड इज ए पर्सन विद सर्व डिलेबिलिटी, बहुत बार बार सब कुछ में आता है, 1,25,000 उसको आराम से। क्वेश्चन आई पेमेंट ऑफ 50,000 बाय चेक टू एन इलेक्टोरल ट्रस्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। पेमेंट टू चेक, पेमेंट ऑफ चेक बाय चेक इलेक्टोरल ट्रस्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी कंपनी। अमाउंट पेड बाय एन इंडियन कंपनी टू एन इलेक्टोरल ट्रस्ट इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GGB फॉर्म टोटल इनकम, टोटल इनकम सीन शॉर्ट पेमेंट इज मेड अदरवाइज बाय वो कैश अमाउंट इज राज लिखा है अमाउंट पेड बाय द इंडियन कंपनी टू एन इलेक्ट्रोल ट्रस्ट इज एलिजिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GGB फ्रॉम टोटल इनकम सीन्स पेमेंट इज मेड अदरवाइज बाय ऑफ कैश। ओके क्वेश्चन थ्री। फॉर असेसमेंट ईयर 2022 ग्रोस लाइन इनकम मिस्टर चतुर्वेदी एरेसन इंडिया 8,18,240 हुज इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,45,000 टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112 मतलब 112 एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15,000। द ग्रॉस टोटल इनकम ऑल्सो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इनकम 45,000 सॉरी 12,000 फ्रॉम सेविंग डिपॉजिट टू द बैंक एंड 40,000 इन इंटरेस्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट उद बैंक। मिस्टर चतुर्वेदी इन्वेस्ट PPF 1,20,000 ऑल्सो पेयर मेडिकल इंश्योरेंस 15,000। मिस्टर चतुर्वेदी ऑल्सो कंट्रीब्यूट 15,000 इन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G बाय वे ऑफ एन अकाउंट पे चेक। उसको का हमारा काम क्या है कंप्यूटर इनकम एंड टैक्स देयर ऑन मिस्टर चतुर्वेदी हु इज 70 ईयर्स मतलब 70 ईयर वो है मतलब सीनियर रेसिडेंट हो गए। अभी चलते हैं आंसर की तरफ से। कंप्यूट टोटल इनकम टैक्स पेबल मिस्टर चतुर्वेदी फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 ग्रॉस टोटल इनकम इनकॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन गिवेन 8,18,240
फोर्टी, लेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 245,000, 245,000 हुआ, 5,73,000, 240, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, डिडक्शन अंडर सेक्शन चैप्टर भी आई है अंडर सेक्शन 80 से इन रेस्पेक्ट ऑफ पीपीएफ डिपॉजिट 1,20,000 अंडर सेक्शन 80D, इट इज अलाउड अंडर सेक्शन 80G, इट इज अलाउड दैट प्रीमियम ऑफ 15,000 इज पेड बाई अदरवाइज दैन बाई कैश बट रेस्ट्रिक्टेड 50,000, 50,000 तो दे रहा है बट रेस्ट्रिक्टेड कितना है 50,000 है। अंडर सेक्शन 80G बी जी नोट अंडर सेक्शन 80TT भी नोट, चल दो पहले नोट जाते हैं आगे उसके बाद जो भी करना है नोट। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल, कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, ग्रॉस टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5,73,000 240, लेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 80D 80TTB 2,20,000 2,30,000 ये क्या हुआ 3,50,000 240, 10% ऑफ द अबव 35,000 324। ये लिखा है कंट्रीब्यूशन मेड, यह में जो लिखा है कंट्रीब्यूशन मेड, कंट्रीब्यूशन मेड उसके बाद देखा लोअर ऑफ द टू एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, कंट्रीब्यूशन मेड जब लिखा है यहाँ में 35,000 है, कंट्रीब्यूशन मेड यहाँ में 50,000 एंड लोअर ऑफ द टू एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G 35,324, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G 50% ऑफ 35,000 324 ये हुआ 17,662। अभी चलते हैं आंसर, 17,662 ठीक है। अंडर सेक्शन 80TTB नोट 50,000 मेड है। उसके बाद टोटल इनकम ये हो गया, ये जो माइनस हो के यहाँ में ये सारा हो गया माइनस हुआ, ये हो गया 3,35,578 टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये क्या है, ये है टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल, ये है टोटल इनकम इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5,80,578। पहले टोटल इनकम राउंड ऑफ ये जो हुआ ये इतना हुआ, देखो हमें कैसे हुआ देखते ना 335,578 प्लस 245,580 कैसे हुआ 335,578 प्लस 245 हो गया ये 580 भी होना चाहिए था। एक्चुअली कितना हो रहा है देखो, एक्चुअली हो रहा है 5,80,578 बट हमको राउंड ऑफ लेना है इसीलिए लिया हूँ 5,80,580। टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,45,000, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हमको 20% रूल्स है इसलिए हमको 49,000 लिया जाता है। बैलेंस ऑफ द टोटल इनकम 3,35,580, 78 वर्स 3 लाख नील है, उसमें 35,000 में 5% हुआ 1,779 हो गया 50,779। आर हेल्थ एजुकेशन एंड सेस 204% 2031, टोटल टैक्स लाइबिलिटी 52,810। ये ख़त्म हो गया हमारा डिडक्शन चैप्टर पूरा, ठीक है मेरे बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म हो गया और जितने क्वेश्चन वाला तुम उसमें होमवर्क करोगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय, वंदे मातरम।